Hello guys, this is Pankaj Hana and welcome to my channel Civil Mania. Today I am going to show you how to calculate the cutting length of rectangular and circular ring. So please video ko last tak dekhiye aur channel ko like karna, share karna and subscribe karna please na bhule. And don't forget to press bell icon right below to get updated with my latest videos. So chaliye start karte hain. Let's cutting length of rectangular stirrup. या शेयर इन्फोर्समेंट बोल सकते हो आप, या ऐसे कोई रिंग्स भी बोलते हैं. तो हम बताते हैं कि मैं बताता हूँ आज कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाती है किसी भी रिंग की. तो उससे पहले आपको आपको क्लियर कवर पता होना चाहिए कि कितना होता है कॉलम में, बीम का, स्लैब का, फुटिंग का, आपको पता होना चाहिए नॉर्मल चीज़ें. तो पता होना चाहिए हमें कि कॉलम में जो कवर होता है 40 mm का होता है. इफ़ अगर मेन स्टील जो हम कॉलम में यूज़ कर रहे हैं ये वाले, अगर ये 12 mm या 12 mm से कम है तो हम कवर लेते हैं 25 mm एज़ पर आई एस कोड 456/2000 में आप चेक कर सकते हो. और बीम में लेते हैं 25 mm का, फुटिंग में 50 mm का, स्लैब में 20 mm का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई सपोज करिए कॉलम है, कोई साइज है उसका 300 बाई 400, 300 विड्थ है, 400 इसकी हाइट है. तो कॉलम में क्या होता है, ये हमारी रिंग है, हम यूज़ कर रहे हैं फोर कॉलम इसमें है, 1, 2, 3 चार नंबर हमारे स्टील यूज़ कर रहे हैं मेन 16 डाया के. और जो हमारा रिंग है, रिंग का साइज जो डाया है वो है 8 डाया का. तो हमें करना क्या है, हमें ये लेंथ चाहिए, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की रिंग की लेंथ चाहिए सेंटर से, हमें यहाँ से लेके इसके सेंटर तक आना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम का सारे कॉर्नर से इसका कवर 40 mm का कवर माइनस होता है कॉलम में, 40 यहाँ से 40 यहाँ से, प्लस जितनी की रिंग यूज़ कर रहे हैं उसका हाफ डाया यहाँ से ऐड करना है, हाफ डाया यहाँ से ऐड करना है. डाया इसलिए ऐड करते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो ईजी हो जाती है. बट किसी आई एस कोड में ऐसा लिखा नहीं है कि कवर के साथ साथ हमें डाया भी ऐड करना है बोथ साइड से, ऐसा कुछ नहीं है. बस ये हम अपनी कन्वेंस के लिए लेते हैं कि हमें थोड़ा ईजी पड़ता है. या आप कभी भी कहीं भी जाओगे, बिलिंग करोगे, तो आपको सेंटर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अंदर से डिस्टेंस लेते हो तो हमारा स्टील कम हो जाएगा, अगर आउटर से डिस्टेंस लेते हो आउटर तक का तो स्टील ज़्यादा हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, हाफ ईजिली पड़ता है और बिल्कुल एक्यूरेट लेंथ आती है. तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ चाहिए. यहाँ तक की कैसे आएगी, यहाँ से 40 माइनस करो 40 यहाँ से, प्लस हाफ 8 आएगा, हाफ जितना है आधा यहाँ से, आधा यहाँ से प्लस करो 4 mm 4 mm 44 mm बोथ साइड से माइनस करना है. सेम उसी तरह से अपोजिट टॉप से भी यहाँ से 40 प्लस हाफ 4 mm 44 यहाँ से, 44 यहाँ से, तो कितना आएगा. तो ये हो गया आपका 4 नीचे है 300 माइनस 44 माइनस 44 400 माइनस 44 माइनस 44 जो लेंथ आएगी हमारी, एक तो ये आ जाएगी सेंटर से यहाँ तक बोथ साइड की, एक ये और एक ये. तो उसका फॉर्मूला होता है 2 into a, मीन्स जो हमने लेंथ निकाली है ए ये है एक टॉप की लेंथ, 2 into a कर देंगे, प्लस 2 into b मतलब ब्रेड यहाँ से सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की लेंथ, b इंटू ट्वाइस 2 into b, प्लस हुक लेंथ जो हमारी कुंडी आती है इसे हुक्स बोलते हैं, ये होती है 10 dp. एज़ पर आईएस कोड में लिखा हुआ है कि मिनिमम जो होनी चाहिए 90 की होती है, तो हम 90 से कम तो ले ही नहीं सकते हैं. तो हम लेते हैं कितना है 10 dp. तो हुक लेंथ कितनी होगी, 2 hooks है 2 into 10 dp माइनस नंबर ऑफ बैंड्स, कितने बैंड्स आ रहे हैं जब कॉर्नर पे बैंड आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 बैंड है. तो बैंड के लिए भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी 45 डिग्री का बैंड होगा तो 1 dp माइनस करेंगे लेंथ, अगर 90 डिग्री का होगा तो 2 dp करेंगे, और 135 डिग्री का होगा तो 3 dp करेंगे. तो यहाँ पे बैंड कितने हैं, एक 1, 2, 3 तो 90 डिग्री के बैंड हैं, प्लस जो दो बैंड हैं हुक्स में जो आ रहे हैं वो है 135 डिग्री के, मतलब दो बैंड 135 के हैं और 3 बैंड 90 डिग्री के हैं. तो एक्यूरेट लेंथ कैसे निकलेगी कटिंग लेंथ, देखो ए तो हमने निकाल लिया जो हमारी लेंथ है, इसको ट्वाइस करना है, कैसे निकलेगा 300 माइनस 2 into 44, 44 यहाँ से और 44 यहाँ से, सेम उसी तरह बी निकलेगा हमारा. उसके बाद लेंथ कैसे निकलेगी, ट्वाइस ऑफ ए निकला हमारा कैलकुलेशन के बाद 212, 2 into 212, उसके बाद जो बी निकला है 2 into 312, प्लस हुक लेंथ, हुक कितने हैं 2, एक हुक की लेंथ होती है 10 dp, तो 2 की होगी 2 into 10 dp, माइनस नंबर ऑफ बैंड, 3 बैंड जो है हमारे 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री मैंने बताया था आपको 2 dp होता है, 2 into d, d मतलब डाया, जितनी डाया का हम रिंग यूज़ कर रहे हैं, तो 3 बैंड है 3 into 2 dp, माइनस 2 बैंड जो हमारे आ रहे हैं 135 डिग्री पे हैं, 135 डिग्री के लिए हम यूज़ करते हैं 3 dp, तो 3 dp इंटू नंबर कितने बैंड है 2. तो आप अगर वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे सारी की सारी, तो आपकी जो लेंथ आएगी 1112 mm, और आप कह सकते हैं अगर मीटर में निकालते हो तो 1.112 meter आपकी कटिंग लेंथ है. आपको हर जगह इसी तरह से निकालना है. ओके तो आप फाइंड करते हैं कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्ट्रिप. सपोज करो कोई हमारे पास कॉलम है जिसका रेडियस हमें गिवन है 500 mm, तो हमें क्या करना है, इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है जो अंदर स्ट्रिप लगा हुआ है. हमारे पास है जो मेन स्टील हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10 नंबर यूज़ कर रहे हैं 16 डाया के, और जो हमारी जो स्टिरप है इसका डाया जो यूज़ कर रहे हैं वो है 8 mm,
तो हमें करना क्या है, जो हमें यहाँ तक हमें स्ट्रिप है इसकी कटिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें करना क्या है, हमें टोटल 500 रेडियस गिवन है, हमें पता है कि कॉलम में जो कवर होता है 40 mm का होता है, और जो हमें डिस्टेंस चाहिए हमें यहाँ से इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का रेडियस चाहिए, तभी तो हम यहाँ से यहाँ तक का उसका सर्कमफेरेंस निकाल पाएंगे सेंटर से। तो हमें करना क्या है, ये आर निकालने के लिए जो टोटल रेडियस है 500 में से 400 माइनस करेंगे, प्लस जो रिंग कट आया है उसको हाफ करेंगे, 40 + 4 = 44। अगर हम रेडियस में से 500 - 40 + 4 करते हैं तो जो रेडियस आता है वो आता है 456। मीन्स यहाँ के सेंटर, रिंग के सेंटर से हमारा सेंटर तक का डिस्टेंस है 456 mm। तो हम यहाँ से इजीली सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जो इसकी आउटर की लेंथ है, ये आ जाएगी। बहुत कभी कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, काफ़ी बंदों के अंदर डाउट रहता है कि हम यहाँ से तो 40 mm का कवर माइनस करते हैं, बट यहाँ से 40 के लेते नहीं हैं, हमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर रिंग नहीं है तो हमें यहाँ पे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ सर्कमफेरेंस चाहिए, जो इस रिंग का सर्कमफेरेंस, हमें आउटर का सरफेस निकालना है। तो हमें ज़रूरत क्या है, हमें तो सिर्फ रेडियस चाहिए। जैसे ही हम रेडियस पता है 2πr के फॉर्मूले पे पुट करेंगे रेडियस, और ईजिली हमारा जो है वैल्यू हो जाएगी। तो कटिंग लेंथ क्या होता है, सर्कमफेरेंस, जो सर्कमफेरेंस निकाला है ये, प्लस हुक लेंथ। यहाँ पर आप देख रहे हो दो हुक लगे हैं, एक हुक की लेंथ होती है 10D, तो दो की कितनी होगी, 2 × 10D। माइनस बैंड भी आ रहे हैं कुछ ना कुछ हुक पे, यहाँ पे दो बैंड हैं हुक पे, दो बैंड आ रहे हैं, और हुक कितने का है, 90 डिग्री का बैंड आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर कभी भी 90 डिग्री का बैंड हो तो वहाँ पे 2D की लेंथ माइनस होती है। तो सिंपल, बैंड कितने, दो, कितने डिग्री पे, 90, 90 डिग्री में होता है 2D बैंड माइनस होता है इंटू टू, टू बैंड है। ईजिली आपको वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले पे, 2π की वैल्यू होती है 3.14। रेडियस हमने ईजिली अभी फाइंड आउट किया है, टोटल में से 44 माइनस किया है तो हमारा सेंटर का इतना डिस्टेंस आ गया रेडियस, ये था 2456 प्लस 10D, कुंडी की लेंथ, जो हुक होता है। डी कितना, डाई ऑफ स्टेप में कितना डाई यूज़ कर रहे हैं, 8, तो 2 × 10 × 8 माइनस नंबर ऑफ बैंड दो आ रहे हैं यहाँ पे, डाया कितना है 8, तो 2 × 2 × 8, तो जो लेंथ आएगी हमारी आ जाएगी कटिंग लेंथ 2991.68 mm। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आएगी लेंथ 2.991 मीटर। तो ये है हमारी कटिंग लेंथ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे कटिंग लेंथ निकालते हैं ट्रायंगुलर रिंग की, और कुछ बंदे बोलते हैं उसे समोसा रिंग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए मैं काफ़ी यूज़फुल कंटेंट लेके आऊँगा, जैसे कि RCC के जितने भी आपके टॉपिक में मेन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, डब्ली है, 1/2 स्लैब है, कॉलम है, राफ्ट है, फुटिंग है, हर तरह का BBS जो होता है, कॉलम, बीम, स्लैब का, पाइल का, पाइल कैप का, आपको काफ़ी यूज़फुल कंटेंट मिलेगा यहाँ से। सो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है केवल मेरे तक या आप तक या बाकी सब लोगों तक पहुँचें।